हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जॉब्स फ्रेंड स्टडी चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर से जीके क्विज की वीडियो लेके आया हूं। डेली बेसिस पे मैं आपके लिए जीके क्विज की वीडियो लेके आता हूं, जिसमें हम 10 मजेदार सवाल को डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम 10 मजेदार सवाल को डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। कैसे लगे आज के हमारे 10 सवाल आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाए। दोस्तों आपका क्या रहा है स्कोर आज की हमारी वीडियो में, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। कितने सवाल आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहला सवाल, तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, snapdeal.com नगर भारत के किस नगर का नाम है? क्या है सवाल? snapdeal.com नगर भारत के किस नगर का नाम है? तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, जामनगर में, सेकेंड ऑप्शन है करमपुर में, थर्ड ऑप्शन है मुजफ्फरनगर में, और लास्ट ऑप्शन है ईटानगर में। तो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है इन चारों जगह में से किस जगह का नाम snapdeal.com नगर के रूप में जाना जाता है। आपको हर सवाल के जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा दोस्तों, और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है मुजफ्फरनगर में। snapdeal.com नगर के नाम से भारत के किस नगर को जाना जाता है? मुजफ्फरनगर को जाना जाता है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति का नाम आपको बताना है। क्या है सवाल? भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हैं, ऑप्शन नंबर 1 श्रीकांत जिजकर, सेकेंड ऑप्शन है श्रीकांत सुब्रमण्यम, थर्ड ऑप्शन है श्रीकांत आनंद, और लास्ट ऑप्शन है श्रीकांत सावरकर। यहाँ पे चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आपको बताना है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, और आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है श्रीकांत जिजकर। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? श्रीकांत जिजकर जो है, इनको 20 डिग्री इन्होंने हासिल की थी, और इनकी डेथ कब हुई? 2004 में। नीचे इनकी इमेज भी दी हुई है दोस्तों, ये भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, क्योंकि इनके पास कितनी थी, 20 डिग्रियां थी, जिसमें से लॉ सीए सभी डिग्रियां हासिल की थी इन्होंने। 2004 में इनकी डेथ हुई, और इनका नाम क्या है? श्रीकांत जिजकर। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा अगला सवाल है, चीन को कन्फ्यूज सिखाने वाले एक भारतीय का नाम आपको बताना है। क्या कह रहा है सवाल? चीन को कन्फ्यूज सिखाने वाला एक भारतीय का नाम आपको बताना है। तो आपके चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, पहला वर्धमान, सेकंड ऑप्शन है बोधिवर्मन, थर्ड ऑप्शन है श्रमण, और लास्ट ऑप्शन है विष्णु वर्मा। तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हैं दोस्तों, आपको बताना है चीन को कन्फ्यूज सिखाने वाले एक भारतीय का नाम क्या था। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है बोधिवर्मन। नीचे इनकी इमेज दी हुई है, बोधिवर्मन जो है ये एक ऐसी भारतीय थे जिन्हें चीन को कन्फ्यूज सिखाया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो आज का हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, चीनी को शुद्ध करने का तरीका खोजने वाला पहला देश कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है चाइना ने, सेकेंड ऑप्शन है भारत ने, थर्ड ऑप्शन है जापान ने, और लास्ट ऑप्शन है रूस ने। तो आपको बताना है चीनी को शुद्ध करने का तरीका खोजने वाला पहला देश कौन सा था। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इसका सही जवाब है भारत। भारत एक ऐसा देश है जिसने चीनी को शुद्ध करने का सबसे पहले तरीका खोजा था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, केकड़े के खून के रंग को ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आने पर यह किस रंग का हो जाता है। क्या सवाल? केकड़े का जो खून है यह ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आने पर किस रंग का हो जाता है, यह आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, पहला है पीले रंग का, सेकंड ऑप्शन है काले रंग का, थर्ड ऑप्शन है नीले रंग का, लास्ट ऑप्शन है लाल रंग का। तो बताना है केकड़े का जो खून है यह ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आने पर किस रंग का हो जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इसका सही जवाब है नीला रंग। केकड़े का जो खून है ये रंगहीन होता है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ संपर्क करता है तो ये नीले रंग का हो जाता है। नीचे केकड़े की इमेज भी दी हुई, जितनी भी मैं आपको वीडियोस लाता हूँ उसके आंसर आपको इमेज वाइज बताता हूँ, जिससे आपको याद करने में आसानी होती है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 6।
तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑक्सीजन गैस की खोज किस सन में की गई थी। क्या है ऑक्सीजन गैस की खोज के बारे में आपको बताना है कि ये किस सन में की गई थी। पहला ऑप्शन है 1770 में, सेकंड ऑप्शन है 1771 में, थर्ड ऑप्शन है 1772 में, लास्ट ऑप्शन है 1773 में। तो आपको बताना है ऑक्सीजन की खोज किस सन में की गई थी। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इसका सही जवाब है 1772। ऑक्सीजन गैस की जो खोज है ये 1772 सन में की गई थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, पहला वेबर ने, सेकंड ऑप्शन है सीले द्वारा, थर्ड ऑप्शन है रदरफोर्ड के द्वारा, लास्ट ऑप्शन है प्रिस्टले के द्वारा। तो आपको बताना है ऑक्सीजन गैस की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इसका सही जवाब है शीले द्वारा। शीले जो थे एक स्वीडन वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। हमारे 8 नंबर का क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कागज वाला पैसा किस देश ने छापा था। क्या है सवाल, दुनिया का पहला कागज वाला पैसा किस देश के द्वारा छापा गया था। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, रूस ने, सेकंड ऑप्शन है भारत ने, थर्ड ऑप्शन है चीन ने, और लास्ट ऑप्शन है जापान ने। तो आपको बताना है इन चारों सवाल जो ऑप्शन दिए हैं आपके स्क्रीन में, इसमें से कौन सा जवाब सही हो जाएगा। तो आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है चीन। चीन एक ऐसा देश है जिसने दुनिया का पहला कागज वाला पैसा छापा था। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी छिपकली का नाम आपको बताना है। क्या है विश्व की सबसे बड़ी छिपकली का नाम आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, पहला ड्रैगन, सेकंड ऑप्शन है कोमोडो ड्रैगन, थर्ड ऑप्शन है स्टार छिपकली, लास्ट ऑप्शन है जंगली छिपकली। तो कौन से छिपकली है जो विश्व की सबसे बड़ी छिपकली होती है। तो आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा सही कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन जो नीचे इमेज दी हुई है ये विश्व की सबसे बड़ी छिपकली के रूप में जानी जाती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मलेशिया में किस रंग के कपड़े पहनना निषेध है। क्या है सवाल, मलेशिया देश में किस रंग के कपड़े पहनना निषेध है। तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, पहला पीले रंग के, सेकंड ऑप्शन है नीले रंग के, थर्ड ऑप्शन है सफेद रंग के, और लास्ट ऑप्शन है काले रंग के। तो आपको बताना है मलेशिया देश में किस रंग के कपड़े पहनना निषेध है। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इसका सही जवाब है पीले रंग के। मलेशिया देश में पीले रंग के कपड़े पहनना निषेध है, यानी मना है, बैन है। एक समय की बात है, कुछ विरोधियों के द्वारा पीले कपड़े पहनकर प्रधानमंत्री के ऊपर विरोध किया गया था। तब से ये नियम लागू कर दिया गया है कि मलेशिया में पीले रंग के कपड़े पहनना निषेध या बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे 10 सवाल एंड होते हैं। क्या रहा आपका स्कोर, कितने सवाल आपके सही रहे, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। लास्ट तक वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों आपका।